आज मैं खाने में बनाने वाली हूँ अरवी के पत्ता का रेकवाच। खेत में चल रही हूँ, सब्जी तोड़ूंगी। देखिए हम खेत में आ चुके हैं, अब यहाँ से सब्जी तोड़ेंगे। ये मैं सब्जी तोड़ना स्टार्ट कर दी हूँ। भिंडी तोड़ूंगी, तोरी तोड़ूंगी, सारा सब्जियों को तोड़ तोड़ के रखते जाऊंगी। कितना मोटा मोटा तरोई हुआ है, ये सब को तोड़ूंगी मैं अभी। तो मैं केले आई हूँ इसलिए नहीं दिखा पा रही हूँ आप। सब्जी तो बहुत सारा तोड़ के ले आए हैं दोस्तों, अब इसमें से बनाऊंगी तरोई और भिंडी, और आज हम लोग वही खाएंगे। सारा तोरी को हम, तोरी है इसमें, इसमें झुनी है, सबको छील लिए हैं। अब इसको काट के फिर छौंक देंगे और उसके बाद काम भी करते रहेंगे। इधर देखिए इतना सारा अरबी का पत्ता तोड़ के लाई हूँ, सब्जी बना चुकी। यहाँ पे देखिए हम लोग खाना भी स्टार्ट कर दिए। ये तोरी का, तरोई का सब्जी है। आ इधर रेकमाच, आ इधर मैगी बनाया ललित। तो अभी हम लोग खाएंगे। बादल भी कड़क रहा है, बारिश। तो कपड़े उपड़े धोए थे दोस्तों, उसको सुखा लिए हैं। फिर तैयार भी हो गई हूँ और शाम का समय हो गया है। बारिश बारिश सब मौसम हो रहा है। कई दिनों के बाद कालू आज आया है, इसको खाना दे दी हूँ। मैं खा लिया है लेकिन इसका हालात बहुत बुरा हो गया है। पूरे शरीर में इसका जख्म हो गया है। भगवान इसको कितना तकलीफ दे रहे हैं, बहुत परेशान है। और इसको कौन सा दवाई दे, हमको तो समझ ही नहीं आ रहा। बहुत बुरा हाल है, बहुत दुखी है। आप लोग बताइएगा कौन सा दवाई। दवाई तो इसका बहुत चला लेकिन ऊपर का घाव ठीक हो गया तो फिर अभी मुँह पे घाव हो गया है इसका। बहुत बुरा जख्म से पूरा परेशान है कालू। शाम हो गया है दोस्तों, चलते हैं खेत में। ये जो देखिए और भी लेके आई थी अपने मायके से, इसको बोना है। तोता मीठू मियाँ इधर है। तो हम लोग खेत में आ गए, शाम का समय। बादल देखिए कैसे जा रहा है, आ रहा है। हरियाली तो पूछिए मत, हरियाली तो भर के है भैया। देखिए अरबी का हम लोग पौधा लगाएंगे तो एक एक अरबी को अंदर से जाएंगे। गहरा बोइंग, अरे बहुत झंझट हो जाएगी। देखो तो कहीं माटी में जम जाते। ना ना तनेंद्र, फिर बैठी ना नू। अरे बैठी माटी। देखिए यहाँ पर हम लोग बो लेते हैं, पूरे यहाँ से वहाँ तक बोना है, फिर आपको दिखाएंगे। कुछ दिनों में ये उग जाएगा। उतना दूर है, दूर। हाँ उतना दूर। देखिए सूर्यास्त होने वाला है। इधर हम मिर्चा का पौधा लगा चुके हैं, 40 दिनों के बाद थोड़ा सा ग्रोथ हो जाएगा इसका। और टमाटर का पौधा भी लगाए हैं, ये पहले का लगाया हुआ है, थोड़ा ये लग गया है। इसमें दो चार पौधे मर गए थे तो दोबारा हम लोग लगा दिए। अभी इधर गन्ना लगा रहे हैं, थोड़ा सा गन्ना लग जाएगा तो खाने भर का हो जाएगा। इस टाइम ना कुछ ज़्यादा खेत में नहीं रहता है, सब सूख जाता है पानी के कारण। अब नीव जब फसल होगा तब जाके कुछ दिखेगा अच्छा, लेकिन हरियाली तो भरपूर है। देखिए हवाएं कैसे चल रही है, वाह मज़ा आ रहा है। मन तो कर रहा है घर ही नहीं जाए। देख रहे हैं हवा, खेत का नज़ारा ना। इस टाइम जैसे मक्का हुआ है, मक्का का खूब पौधा हुआ है, सनई हुआ है, ये सब का देखने लायक है पौधा। ये अरहर का पौधा है, अरहर, अरहर का दाल हम लोग खाते हैं ना, ज़्यादा नहीं दो चार पौधा लगा है इधर। रहरिया नहीं खेलूँ भाई जी। तो चलते हैं घर, खाने भर का भुट्टा उट्टा भी हो जाएगा। तो चलते हैं घर, लाला जी अपना बो के आएंगे। तो इधर ही से जाऊंगी, ये दीदी वाला खेत है। ये सब लोबिया का पौधा देख रहे हैं, पानी से गल गया है, खाने भर का निकल जा रहा सबका। बैगन वैगन का पौधा है, दीदी में भी गोबर डाला जा रहा है खेतों में। भुट्टा देखिए यहाँ पे बहुत सारा भुट्टा दीदी बोई थी, काट के ले गई हैं। खेतों में से आए तो लाला जी भुट्टा लेके आए हैं, तो मैं भुट्टा पका रही हूँ, देख रहे हैं। ये रहा भुट्टा अंदर, घोसार जरा रहे हैं दोस्तों, आज घोसार जरा रहे हैं। आज इधर देखिए लाला जी क्या कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आज हम इतना तैयार क्यों हुए हैं। तो आज करना है गार्डन का साफ सफाई। तो आप लोग समझ जाइए कि तैयार होकर कोई गार्डन साफ करता है नहीं ना। तो काम पे लगा दिए हैं लाला जी को, और हम रेसिपी शूट करेंगे आज, ठीक है। तो आपको दिखाते हैं कि कितना साफ सफाई करना है, पूरा कितना एरिया। तो पूरा गार्डन आज हम लोग साफ सफाई करेंगे,
जिसमें हमारा कोई काम नहीं होगा। तो देखिए आज सुबह से ही साफ कर रहे हैं, घास सारा निकाल रहे हैं। अभी इतना घास निकाल चुके हैं इधर का एरिया का, और बाकी सारा साफ सफाई करने वाले, घास निकाल निकाल के इसका खाद बनाएंगे, और खाद बना के पता नहीं क्या करेंगे। तो देखिए जहाँ जहाँ जाएंगे हम झाड़ू लगा देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और बाकी घास सारा लाला जी निकालेंगे, और सारा साफ सफाई गार्डन का करना है। ये का मरल बा, कुछ खाइले बा का, मच्छर खाया है। तो इधर केड़ी आया है खाना मांगने, लाला जी इसको खाना दे रहे हैं। उधर देम दोनों के, केड़ी और पिल्लू दोनों खा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए आज ना हम इधर आए हैं दीदी के खेत में, देख रहे हैं सारा मक्का ना जानवर सब खा के ख़त्म कर दे रहा है, देख रहे हैं सारा भुट्टा खा के बर्बाद कर दिया है। अब वही हम लोग तोड़ रहे हैं सारा, कि मतलब इतना मेहनत से वो खोले बड़ा था, हम लोग भुट्टा तोड़ रहे हैं, भुट्टा खेत में घुसे हैं, तैयार भुट्टा है ना उसी को तोड़ रहे हैं। ये देख रहे हैं, ये देखिए तैयार है, कैसे पता लगेगा कि तैयार है मैं आपको पहचान करवाती हूँ। ये जो भुट्टा है ना ये ब्राउन हो गया है, ब्राउन कॉफी कलर, और ये जो नहीं भुट्टा नहीं हुआ है इसका भूरा है, पूरा मेहरून तरह का है, देख रहे हैं ये नहीं तैयार है। तो उधर दीदी तोड़ रही है, इधर मैं तोड़ रही हूँ, और देखिए कितना सारा भुट्टा हम लोग तोड़े हैं वो भी दिखाते हैं आपको। वैसे तो सब जानवर नुकसान कर ही दे रहे हैं, क्या करिएगा, किसान लोग तो समय पर मेहनत कर ही लेते हैं, बाद में उसका काम तमाम कर देते हैं जानवर। तक कितना सारा टूटा है, पट पट टूटा टूटा का पट पट बाजा बज रहा है। ये देख रहे हैं कितना सारा तोड़े हैं हम लोग, इसमें अभी भरना है हम लोगों को सारा चाहिए। तो अभी दीदी तोड़ रही थी तो मेरे को बुलाई कि जल्दी आओ अनीता मैं तोड़ रही हूँ, हाँ बोले ठीक है हम आ रहे हैं कैमरा लेके। ये देख रहे हैं ऐसा ऐसा है भुट्टा, तो पता है आपको दिखाने के लिए मैं देखिए मकैया राजा बोले के जंजाल गाना है हमारा भोजपुरी में। भैया जी एक माँ में दीदी को दिक्कत है, तोड़ रही है उस साइड और फिर घर ले जाएंगी। तो ये सारा मतलब ना जितना भी है ये सारा भुट्टा का खेत था, लेकिन बहुत सारे जानवर नुकसान किए हैं, और जब वो काट के गिरा दिए मैं सोच रही उसको ले लेती हूँ तोता खाएगा। तो देखिए कितना सारा मैं इकट्ठा की हूँ सब जानवरों का खाया हुआ, अभी तो बहुत सारा है, जानवर खा गए इसको तोता के दे दूंगी तोता खा जाएगा। सब बहुत सारा बड़ा तो उड़िए गोलम, ये तो चाची जी से उड़ से हमारा से उड़ गई। तो देखिए इतना सारा भुट्टा तो खाने के लिए दीदी दे दी है, ले जाओ भून के खाओ, ये जो था ना इसको ले आई हूँ तोता खाएगा, मतलब इंसान भी खाएगा तोता भी खाएगा। तो इधर मम्मी भुट्टे लाई थी और भुट्टे को पका रही हैं चूल्हे के अंदर। अच्छा बड़ी मम्मी दी थी, ये वाले भुट्टे हैं जो खेत से आए हैं, अंजलि को दिखा दे थोड़ा, चूल्हे के अंदर पक रहे हैं भुट्टे। आप लोग भी नहीं आइएगा दोस्तों तो मिस कीजिएगा। ये देख अंजलि मम्मी भुट्टे पका रही हैं। हाँ, अपने खेत के है क्या ये? हाँ, बड़ी मम्मी दी है, अपने खेत में भी हो गए हैं। बड़ी मम्मी के खेत में बहुत सारे हो गए हैं। अभी हमारे छुट्टे हैं, इस बार का सबसे मीठा भुट्टा मैं तो पूरा खत्म कर चुका हूँ, और एक और खा रहा हूँ, ये भी खत्म है और एक और आ गया। भाई ये बहुत तगड़ा मीठा है एकदम, इसीलिए मैं गांव में रहता हूँ मुझे ऐसा लगता है। धनवा मीठा है कि नहीं, ऐसा लग रहा है चीनी डाली हुई है ना, मतलब ऐसा मीठा लग ही नहीं सकता, चीनी तो अलग ही मीठी लगती है। तुरंत तोड़ के तुरंत खाओगे उसका मजा कितने है। उसमें भी अगर चूल्हे का भुना हुआ हो तो मजा आ जाता है, कोई मजा आता आएंगे तब तक तो भूत तक तो बहुत हो जाएगा। हो गई है दोस्तों
रेसिपी शूट करते करते अब हम लोग जा रहे हैं घर। पिल्लू भी देखिए देख रही है, पिल्लू बेबी गुड नाइट, गुड नाइट बोल दो सबको। बंद कर रहे हैं इधर लाला जी, फिर हम घर। कोई भी डॉगी को आने नहीं देती है, भगा दी इसको। इधर तेरा एरिया नहीं है भाई, क्यों आया है। ठीक है बेबी गुड नाइट।